हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है जड प्लांट का पौधा कि जड प्लांट को बारिश में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे जड प्लांट का तना यानी कि ब्रांच को कैसे मोटा करें और जड प्लांट को जंगल जैसा घना और मजबूत कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जड प्लांट जो होता है ये धन को खींचने वाला प्लांट है और एक ये शुभ पौधा होता है। हर गार्डनर को ये पौधा अपने जो गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा समय है कि इसको कटिंग से इस टाइम आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग लगाई थी, एक महीना के करीब हो गया है। ये छोटी छोटी सी कटिंग आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये चल रही है। और एक फ्रेंड्स, ये मैं मोर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक मेरा मोर और बन चुका है, ये दूसरा मोर है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको शेप दी है और ये इसके पीछे की तरफ पूंछ है। ये देखिए इसकी कितनी घनी पूंछ बन रही है। तो ये अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है और 6 महीने में ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आप नर्सरी से लाकर जड प्लांट को लगा सकते हैं। ये आपको बहुत ही आसानी से इस टाइम मिल जाएगा। ये करीबन आपको 50 से 60 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इसको आप बास्केट में भी लगा सकते हैं और छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। इसको आप बोतल में भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर फ्रेंड्स, इस प्लांट को समय समय पर आपको फर्टिलाइज़र देना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्लांट जो है पत्तियों वाला प्लांट है। तो इस प्लांट की जो डाइट है वो आपको भरपूर मात्रा में इसको देनी पड़ेगी, जो भी आप इसको अपने घर से या बाज़ार से लाकर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये मेरा जो प्लांट है ये एक डिब्बे में लगा हुआ प्लांट है। इसकी मैं आपको तना दिखाती हूँ। इसका तना आप देखिए कितना स्वस्थ और मोटा तना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका तना आप इस साइड से भी देखेंगे तो आप ये देखिए, ये प्लांट का तना है, कितना मोटा प्लांट का ये मेरा तना है और एक ये डिब्बे में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, जो ये मेरा प्लांट है ये काफ़ी पुराना प्लांट है, इसको लगे हुए करीबन 3 साल हो गए हैं। इसी तरीके मैंने इस डिब्बे में भी लगाया हुआ है और इस बोतल में भी मैंने ये जड प्लांट लगाया हुआ है। ये देखिए, और इस प्लांट का तना भी आप देख ही देखिए कितना मोटा है। तो फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में इस प्लांट को आप ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें और इसकी कैसे आप केयर करें, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। जैसा कि बरसात चल रही है तो इससे फ्रेंड्स ज़्यादा पानी होने से इस प्लांट को नुकसान होता है। इसकी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं और जो है तना गलने लग जाता है, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और इस प्लांट को अगर पानी की कमी हो जाती है तो पता चलता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं और झड़ने लग जाती हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं उस फर्टिलाइज़र की, जिसको आपको महीने में अगर आप 2 बार दे देंगे तो आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अगर 2 बार दे देंगे तो अच्छा है, 1 बार दे देंगे तो भी इसके लिए बहुत ही अच्छा वो फर्टिलाइज़र है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि वो फर्टिलाइज़र कौन सा है। ये वो फर्टिलाइज़र है जिसको आप अपने प्लांट में इस टाइम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ये है चौक। चौक जो होता है इससे बच्चे लिखते हैं, ये हर घर में पहले मौजूद होता था। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स इसको आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बहुत ही सस्ता इसका आपको डिब्बा मिल जाएगा, उसको लेकर आप रख लीजिए। ये प्लांट के लिए
काफ़ी हर एक प्लांट को आप ये दे सकते हैं, पर जड प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए। अगर हमारे प्लांट में भरपूर मात्रा में कैल्शियम रहेगा तो हमारे जो प्लांट का जो ये तना है मोटा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और प्लांट आपका घना बनता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसको देना कैसे है अब उसके बारे में बात करते हैं। एक नंबर पर तो आप इस प्लांट में इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसके अंदर इसकी जड़ों के पास इसको आप दबा दीजिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे गलता है। अगर आपको जल्दी इसका रिजल्ट चाहिए तो आप इसको इस तरीके से ले लीजिए जितना आपके प्लांट को इसकी ज़रूरत है। लेकर इसको आप छोटे से ये सिलबट्टे में अच्छे तरीके से कूटकर पाउडर बना लीजिए। बहुत ही आसानी से ये पाउडर इससे बन जाता है। ये इस तरीके से ये देखिए, इसका ये जो है पूरा पाउडर बनकर अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। इसकी आप आधी आधी चम्मच जो लेकर अपने प्लांट में डाल दीजिए जितना आपके गमले का साइज है। ये जैसे इसमें मैंने अब एक टुकड़ा डाल दिया है तो अब ये मैं अपने गमले में करीबन एक चम्मच के करीब इसको ये चम्मच लेके मैं अपने प्लांट की जड़ों के पास इसको इस तरीके से डाल दूँगी। फ्रेंड्स, बरसात का मौसम चल रहा है तो आप अपने प्लांट में इस टाइम जो है बिल्कुल भी प्लांट को ओवर वाटरिंग ना करें और इसको इस तरीके से आप डालकर थोड़ा सा चम्मच से ही इसकी गुड़ाई कर दीजिए। देखिएगा फ्रेंड्स, आपका जो प्लांट है दो तीन दिन के अंदर ही जो है अच्छी तरीके से हरा भरा और घना हो जाएगा और इसका जो तना है वो अपनी इतनी अच्छी मोटाई पकड़ लेगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए, बोतल में लगा हुआ प्लांट का तना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जो वीडियो है फ्री का कैल्शियम आप अपने प्लांट में बारिश में इस टाइम दे देंगे तो आपका प्लांट जंगल जैसा घना और हरा भरा हो जाएगा। आपको ये मेरी जड प्लांट के ऊपर वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।